गाइस गेमिंग न्यूज के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम 10 न्यूज अपने एपिसोड में प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आज के एपिसोड की खासियत ये है कि इसमें एक बोनस न्यूज भी आप लोगों को अवेलेबल कराने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और मैं लोनी जैन। नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बात करें अपनी फर्स्ट न्यूज की, तो डेड बाय डेलाइट आपको पता ही है कि एक्सबॉक्स वन गेम पास में भी ये गेम फ्री मिल रही है और आप इस गेम को सभी प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं। सभी का मतलब है कि आप अपने मोबाइल पर भी इस गेम को एक्सेस कर सकते हैं और ये एक सर्वाइवल हॉरर गेम है जिसे आप मल्टीप्लेयर खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ तो ज्यादा मजा आएगा। इसके साथ ही अब इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म भी उन्होंने अवेलेबल करा दिया है, जो कि फिलहाल अवेलेबल होगा पीसी, PS4 एंड एक्सबॉक्स वन पर। मे बी इन फ्यूचर आपको मोबाइल पर भी क्रॉस प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाए, जैसे हम पबजी में देखते हैं। और इसी के साथ इसका 17 चैप्टर भी आने वाला है, तो आप लोग भी काफी डिमांड कर रहे थे इस गेम की। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इस गेम की लाइव स्ट्रीम भी आप लोगों के साथ मल्टीप्लेयर खेलेंगे। नेक्स्ट न्यूज में डार्क गेम की बात करने वाली हूँ, जो कि लास्ट ईयर अगस्त में रिलीज हुई थी प्लेस्टेशन, पीसी एंड एक्सबॉक्स वन के लिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर गेम है। वैसे तो ये ट्रिपल ए टाइटल नहीं है, बट इसके गेम प्ले को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इसके टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं और अब ये डिसाइड हुआ है कि ये इसी साल दिसंबर में प्लेस्टेशन 5 एंड सीरीज एक्स के लिए भी रिलीज की जाएगी। तो गाइस आपको तो पता ही है, रात के 12 बजे से ही हर लेटेस्ट गेम की स्ट्रीम हमारे चैनल पे होती ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी भी हम करेंगे आप लोगों के लिए। थर्ड न्यूज पर दोस्तों मैं बात करूंगा सुसाइड स्क्वाड गेम से रिलेटेड। आपको पता ही कि 22 अगस्त को डीसी का इवेंट होने वाला है जिसमें उसका ट्रेलर रिवील किया जाएगा, लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए डबल गुड न्यूज ये है कि सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन अब कंपनी क्लेम कर रही है कि बैटमैन की भी एक न्यू ट्रिपल ए गेम आपको देखने को मिल सकती है। पहले हम सोच रहे थे कि यार सुसाइड स्क्वाड ही एक ऐसी ट्रिपल ए गेम आ रही है जिसमें बैटमैन को उन्होंने मर्ज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सुसाइड स्क्वाड एक मल्टीप्लेयर गेम हो सकती है और यहां पर बैटमैन का आपको पूरा कैंपेन मोड वगैरह सब दिखाया जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस इवेंट को भी हम लाइव करेंगे। गाइज नेक्स्ट न्यूज है फॉर्टनाइट की तरफ से। आपको पता है ये यूथ में काफी फेमस मल्टीप्लेयर टाइटल है, पबजी के बाद एक तरह से फॉर्टनाइट का ही नाम लिया जाता है। तो फॉर्टनाइट का द लास्ट लाव बंडल अनाउंस हो चुका है, जो कि 17 नवंबर 2020 को करंट कंसोल एंड नेक्स्ट जनरेशन कंसोल के लिए भी रिलीज किया जाएगा। गाइज इसका प्राइस $30 फिक्स हुआ है। आई होप ये नेक्स्ट जनरेशन कंसोल पर भी इतने ही प्राइस पर रिलीज किया जाएगा। इसके अंदर आपको काफी सारे वीबर्ग्स एंड स्पेशल पॉइंट्स एंड रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। स्पेशल ये है कि डीसी के साथ इनका कोलैब हुआ है, इसीलिए जोकर की स्किन भी इस बार आपको गेम में मिलने वाली है। आप हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं स्क्रीन पर वॉलपेपर भी इसी से कंसर्न लगाया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है जिन्होंने अभी हाल ही में करंट कंसोल परचेज किया है, चाहे वो PS4 हो या एक्सबॉक्स वन हो, तो वो ये हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हम कितने टाइम तक नई गेम्स को खेल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब नेक्स्ट जन कंसोल रिलीज हो जाएगा तो मोस्टली जो गेम्स है वो उन्हीं प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और करंट कंसोल पर गेम बनना बंद हो जाएगी। तो मैंने आपको ऐसा पहले भी बताया था कि जितने भी थर्ड पार्टी डेवलपर्स होते हैं वो चाहते हैं हमेशा कि करंट कंसोल पर भी गेम वो रिलीज करें और नेक्स्ट जन कंसोल पर भी, लेकिन अब उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट जन कंसोल पे आपको 4K ग्राफिक्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको मिलते हैं फुल HD, यानी कि यहाँ पर जो रेजोल्यूशन मिलता है वो 1080p का मिलता है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है डेवलपर्स को, क्योंकि वो गेम को सही तरह से ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ गेम्स में उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की है, जैसे यहाँ पर रेजिडेंट इविल 8 का नाम सामने आया है, लेकिन रेजिडेंट इविल 8 की स्टोरेज एंड उसके ग्राफिक्स इतने हाई है कि वो चाहकर भी करंट कंसोल पर प्ले नहीं हो सकती। यहाँ पर लेकिन आपको कुछ डिजिटल टाइटल देखने को मिल जाएंगे और जो गेम डबल ए टाइटल्स की होंगी वो आप खेल सकते हैं। अगर आपने अभी तक करंट कंसोल परचेस नहीं किया है और हमेशा आप लेटेस्ट गेम खेलना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप नेक्स्ट जन कंसोल का वेट करें। गाइज नेक्स्ट न्यूज है क्राइसिस रीमास्टर्ड की तरफ से, जो कि डिले की जा चुकी थी, आपको पता ही है, क्योंकि डेवलपर्स इससे काफी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। हो सकता है कुछ गेम प्ले में कमियां रह गई हो और ग्राफिक्स की तरफ से तो काफी ज्यादा रिपोर्ट किया ही गया था कि ग्राफिक्स में कुछ कमियां थी। इसके साथ ही गाइज अब डेवलपर्स ने इसके 8K रेजोल्यूशन में कुछ पिक्चर्स अपलोड की है, इससे पता चलता है गेम को कितनी डिटेलिंग से बनाया जा रहा है। वैसे इसकी रिलीज डेट तो पता नहीं है, लेकिन जब भी आएगी उसके लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा ब्लेस अनलिस्ट गेम के बारे में, जो एक एक्शन RPG गेम है और ये गेम अब PS4 पर रिलीज होने वाली है। 20 अगस्त को आपको इसका क्लोज बीटा खेलने को मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो ये कोई AAA टाइटल नहीं है और साथ ही ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली ऐसी गेम है जो एक्सबॉक्स वन पर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 12 मार्च को। अगर आप एक एक्सबॉक्स यूजर है तो आपने इस गेम को जरूर ट्राई किया होगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं कि आपको इसका गेम प्ले कैसा लगा। गाइस नेक्स्ट न्यूज आपके लिए थोड़ी सी सैड न्यूज भी प्रूव हो सकती है, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ
साइबरपंक 2077 की, जो कि सितंबर में रिलीज होने वाली थी पहले, लेकिन फिर इसको डिले किया गया और इसकी डेट नवंबर में फिक्स की गई। अब कहा जा रहा है कि नवंबर में भी ये गेम डिले हो सकती है क्योंकि डेवलपर्स इसकी मिली कॉम्बैट से सेटिस्फाई नहीं थे। गेम में काफी सारे बग्स हैं, कंपनी वैसे तो इसके बग फिक्स में लगी हुई है। वैसे 90% तो चांसेस है कि ये नवंबर में रिलीज हो जाएगी, लेकिन 10% नहीं भी हुई तो आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है। लास्ट सेकंड न्यूज पर दोस्तों मैं बताने वाला हूँ ये मेंबरशिप के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कंसोल एंड पीसी दोनों ही जगह ये अपनी मेंबरशिप प्रोवाइड कराता है। कंसोल पर जो आपको मेंबरशिप मिलती है वो ये के नाम से मिलती है, और जो पीसी पर मिलती है वो मिलती है ओरिजिन के नाम से, जिसका ऑलरेडी हमने एनुअल मेंबरशिप का प्लान ले रखा है। और आपको पता ही है कि उसके अंदर आपके जितने भी AAA टाइटल रिलीज होते हैं वो आप सबसे पहले एक्सेस करके खेल सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अब ये इनके अंदर कुछ फेरबदल कर रहा है और इसी के साथ वो इन दोनों प्लान को मर्ज करके एक नया प्लान लेकर आ रहा है जिसका नाम उसने दिया ईए प्ले, और ये रिलीज होगा 18 अगस्त को यानी कि कल। जो लोग ये की मेंबरशिप लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं एक दो दिन का, हो सकता है कि उसके अंदर आपको कुछ नए प्लान्स मिल जाए वो भी सस्ते रेट में। और बोनस न्यूज देने से पहले मैं दे देती हूँ आप सभी को लास्ट न्यूज जो कि स्पाइडरमैन की तरफ से है। जी हाँ, स्पाइडरमैन माइल्स मॉरल्स एक अमेजिंग सरप्राइज होने वाला है इसके फैंस के लिए। कहा जा रहा है कि ये स्पाइडरमैन 1 से भी ज्यादा पसंद की जाने वाली है। इसका लेटेस्ट ट्रेलर अभी रिलीज होने ही वाला है क्योंकि गाइस PS5 इवेंट में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया गया था। डेवलपर्स भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि जो ट्रेलर अब रिलीज किया जाने वाला है उससे इसकी फैन फॉलोइंग कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गेम प्ले मैकेनिक्स, ग्राफिक्स एंड स्टोरी वाइज ये गेम काफी एनहेंस्ड वे में डिस्कस की जानी है, जिसका ट्रेलर इसको अच्छी तरह से इसके पोटेंशियल को डिस्क्राइब करेगा। गाइस, आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा जो कि बहुत जल्द रिलीज होगा। इसका ट्रेलर रिएक्शन भी हम लोग नमोकार गेमिंग वर्ल्ड पर प्रोवाइड करेंगे। इसमें ये भी बताया गया है कि जो पीटर पार्कर की स्टोरी थी वो बाय इंसिडेंट, बाय एक्सीडेंट उसको एक स्पाइडर का चांस मिला था, लेकिन माइल्स मॉरल्स की पोटेंशियल एक नेक्स्ट लेवल पर है जिसको गेम प्ले के टाइम पर आप काफी अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। और अब चलते हैं दोस्तों अपनी बोनस न्यूज की तरफ। तो आपको मैं बता दूं कि नेक्स्ट जन कंसोल से रिलेटेड सभी को वेट था कि PSVR इवेंट में क्यों नहीं दिखाया गया। जैसे कि जो PlayStation VR रिलीज हुआ था PS4 पर, उससे लोग काफी सेटिस्फाइड नहीं थे और उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी है कुछ लोगों को, क्योंकि उसमें वायरिंग वगैरह का जो सेटअप है वो काफी हमें इरिटेट करता है। तो अब जो लोग वायरलेस VR का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया ऑफिशियली कि वो उस पर भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और PS5 के रिलीज होने के बाद जो उनका नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो VR का ही होगा, तो हो सकता है कि 2021 या 22 तक वो VR2 को भी रिलीज कर दे। तो अगर आपको एक गेमिंग न्यूज का एपिसोड अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।